विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश देवी सची सावधान हो जाइए, वो असुर अभी देवराज इंद्र एवं अन्य देवताओं को निगलने के उपरांत इसी ओर बढ़ा चला आ रहा है। हे मां, कैसा संकट छाया हम पर, इस विकट परिस्थिति ने हमें बचाई, सहायता कीजिए मां, सहायता कीजिए, सहायता कीजिए मां, सहायता कीजिए। सहायता कीजिए मां, सहायता कीजिए। कहां छिपी है यहां की स्त्रियां, कहां है? कहां है यहां की स्त्रियां, कहां है? सबको लेकर जाऊंगा यहां से, कहां है, कहां है सब? तुम सब जहां भी छिपी हो ढूंढ ही लूंगा। प्रतीत होता है सब कहीं अन्यत्र छिप गई हैं, स्वयं को मुझसे रक्षित करने के लिए। प्रतीत होता है वो दुष्ट असुर जा चुका है, अब हम सुरक्षित हैं। अरुण असुर से नहीं बच सकते तुम लोग। अचानक माँ के नेत्रों में क्रोध की ज्वाला क्यों धधक उठी है? अवश्य माँ को किसी अप्रिय घटना का आभास हुआ है। सृष्टि में कहीं बड़ी अनिष्टकारी घटना घटित होने का संकेत है ये। कहीं किसी दुष्ट की दुष्टता उनके भक्तों के कष्ट का कारण बन रही है, इसीलिए इतनी कुपित हो उठी है देवी। बलशाली ही होता है सौंदर्य का अधिकारी। ए स्वर्ग की देवियों, अपने नवीन स्वामी के समक्ष समर्पण करो और स्वामित्व स्वीकार करो मेरा। माता हमारी रक्षा कीजिए, माता हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए।
धन्यवाद माता। अपनी छद्म माया से मुझे विचलित करने का दुस्साहस कर रही हो तुम। दुस्साहस तुमने किया था, नारी को स्वयं से निम्न समझने का दुस्साहस, अपने बल के प्रभाव से हमारा अपमान करने का दुस्साहस। दुष्ट असुर, अभी तो माता ने मात्र तुम्हें चेतावनी दी है, यदि तुमने पुनः हमारा अपमान करने का प्रयास किया तो माता आदिशक्ति तुम्हें भयंकर दंड देंगी। दंड देगी माता? कोई दंडित नहीं कर सकता मुझे। मूर्ख असुर, जिन माँ के नाम का उच्चारण करने से वो स्थान कंपित हो गया जहाँ पे तुम स्थित थे, अपना संतुलन खो बैठे, तो तनिक कल्पना करो, यदि वो स्वयं यहाँ प्रकट हो गई तो तुम्हारी क्या दुर्दशा करेंगे। अभी भी समय है दुष्ट असुर, संभल जाओ दुष्ट, माता आदि शक्ति का भय करो। आदि शक्ति हो अथवा अंत शक्ति, अरुणासुर को किसी का भय नहीं और न ही किसी शक्ति का भय होगा। अरुणासुर की शक्ति के समक्ष हर शक्ति तुच्छ है। अरुणासुर हूँ मैं। असुर महावीर अरुणासुर। क्या हुआ माँ, क्या घटित हुआ है जिसके कारण से आप इतनी क्रोधित हैं? क्या सूर्यदेव के लुप्त होने से उसी घटना का कोई संबंध है? माँ, ये क्या दुर्गमासुर है? अरुणासुर, अरुणासुर, अरुणासुर है इसका कारण। अरुणासुर? समस्त देवताओं को निगल लिया है उसने, पर अब सूर्य देव को भी निगल लिया है, और अब सभी देवता मुझसे सहायता की गुहार लगा रहे हैं। इस दुष्ट के उदर से मुक्त कराने की कृपा कीजिए माता। और अब तो उसने और भी भयंकर अपराध किया है, अपनी कुदृष्टि नारी पर डालकर, जो संपूर्ण जगत के जन्म और उसके पालन पोषण करने का कारण होती है। उसी रूप में मैं अपने प्रत्येक संतान के समीप रह पाती हूँ। उसके प्रति ऐसे अपराध को ये माँ किसी भी प्रकार से क्षमा नहीं कर सकती। मूर्खता कर रहे हो तुम, बहुत बड़ी मूर्खता, ये कुविचार त्याग दो अरुणासुर। मूर्खता नहीं, मेरा विचार तो मधुर अलाप करने का है। क्या करूं, इतनी सुंदरता जो मेरे समक्ष है, तो मेरे मन में प्रेमालाप करने की इच्छा तो जागृत होगी ना। आलाप नहीं, विलाप करोगे तुम असुर। जब स्वयं माता आदिशक्ति हमारी सहायक है तो कोई हमारा अहित नहीं कर सकता। ना ही अब देवियों के अश्रु बहेंगे और ना ही अब वो दुष्ट असुर अपने नेत्रों से उन पर कुदृष्टि डाल सकेगा। अपनी जीवा को तुम अपना अस्त्र बनाते हो ना? अब देखो, माता आदि शक्ति ने तुम्हारी जीवा को भी अशक्त कर दिया। आ, 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 आ,
तुम्हारा स्पर्श करने में असमर्थ हुआ तो क्या, किंतु तुम्हें बंदी तो बना सकता हूँ ना मैं। मात्र लई का घोल नहीं है, मेरा विषैला द्रव्य है जो तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर कुछ ही समय पश्चात तुम्हारे शरीर को पिघला देगा। हमारी रक्षा कीजिए माता, हमारी रक्षा कीजिए। बहुत पीड़ा हो रही है, हमारी रक्षा कीजिए। बहुत पीड़ा हो रही है माता, बहुत पीड़ा हो रही है, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी करो अपनी माता का आह्वान, रक्षा कीजिए। मैं भी तो देखूं समय रहते प्रकट होकर वो तुम्हारी रक्षा कैसे करती है। सामर्थ्य है तो मुझसे मुक्त कराकर अपनी देवियों को ले जाए। माता अवश्य देवी शची और अन्य देवियों को मुक्त कराने स्वर्ग लोक गई हैं। बहुत पीड़ा हो रही है, हमारी रक्षा कीजिए। हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो माँ, बहुत हमारी रक्षा करो माँ, हमारी रक्षा करो माँ। बहुत पीड़ा हो रही है माँ, हमारी रक्षा कीजिए। माता हमारी रक्षा कीजिए, माता माता हमारी रक्षा कीजिए। धन्यवाद माता। अब देवताओं को भी उस दुष्ट असुर से मुक्त कराने का समय आ गया। अरुण असुर, अब शीघ्र अंत होगा तुम्हारा। नहीं, शीघ्र अंत होगा तुम्हारा। क्या हुआ पोपा जी? ब्रह्मदेव, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अरुण असुर का वध इतनी सहजता से संभव नहीं पुत्र, इसलिए देवी को वहां जाने से रोक लो पुत्र गणेश, क्योंकि उस असुर को। माँ! मुझे क्षमा कर दे माता, मैं इस प्रकार आपको रोकने की दृष्टता तो नहीं करना चाहता था, किंतु आप वहाँ जाएं इसके पूर्व फूफा जी ब्रह्मदेव आपको कुछ बताना चाहते हैं। माँ, मैं कहाँ कुछ बताना चाह रहा था? किंतु फूफा जी, अभी तो आपने कहा था ना कि अरुणासुर का वध सहजता से संभव नहीं है, और आप कुछ कहते कहते रुक गए। बताइए ना फूफा जी, कैसे है उसका वध संभव? मैं इस विषय में कुछ नहीं कह सकता।
किंतु क्यों? आपको जो ज्ञात है वो हमें बताइए ना फूफा जी। देवताओं की सहायता करना तो हमारा कर्तव्य है फूफा जी, तो आप उस कर्तव्य को निभाने में संकोच कर क्यों रहे हैं? इस दुष्ट अरुणासुर का जीवन तो किसी वरदान से सुरक्षित प्रतीत होता है। इस रहस्य को उजागर कीजिए ब्रह्मदेव। असुर वरदान प्राप्त करने हेतु मेरी अथवा ब्रह्मदेव की ही तपस्या करते हैं, और मैंने अरुणासुर को कोई वरदान नहीं दिया, तो फिर अवश्य उसे ब्रह्मदेव से ही कोई वरदान प्राप्त हुआ है। यदि ये सत्य है तो आप अरुणासुर के वरदान के रहस्य को हमसे क्यों छुपा रहे हैं फूफा जी? अमर हो तुम देवता, इसीलिए मेरे उदर में जीवित रहकर अपच ही उत्पन्न करोगे जो मुझे स्वीकार नहीं है। इसीलिए अब तुम्हें मेरे कारागार में बंदी रहना होगा। बताओ दोस्त, कहाँ है देवी शक्ति? ओहो, मेरे उदर से मुक्त क्या हुए? सर्वप्रथम देवी शचि की कुशलता पूछी तुमने। वाह, उनके प्रति इतना स्नेह है तुम्हें? किंतु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इस पर निर्भर है इंद्रदेव, कि उन पर मेरी विषैली शक्ति सफल हुई अथवा माता के प्रति उनकी निरर्थक भक्ति। दुष्टासुर, शत्रुता की भी एक मर्यादा होती है, किंतु आज तूने अपने दमवश मर्यादा की सभी सीमाओं का उल्लंघन किया है। स्मरण रखो दुष्टासुर, तुम्हारा दम ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। शीघ्र ही तुम्हारा वध होगा। वध होगा और मेरा? मेरे अंत की कामना करने वाले मूर्ख देवताओं, कभी सत्य नहीं होगी तुम्हारी ये कामना, क्योंकि मेरा वध असंभव है। क्या हुआ, सत्य का श्रवण कर स्तब्ध क्यों हो गए तुम? मेरे वध का विशेष उपाय किसी को ज्ञात नहीं, और जिसे ज्ञात भी है वो उसे उजागर नहीं कर सकते। फूफा जी, ब्रह्मदेव आप शांत रहकर इस असुर की रक्षा क्यों कर रहे हैं? बताइए ब्रह्मदेव, क्या वरदान दिया है उस दुष्ट असुर को आपने? माँ, कदाचित वो इस प्रश्न का उत्तर इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि अरुणासुर ने उन्हें इसके लिए वचनबद्ध कर दिया है, अन्यथा वो हमें बताने में तनिक भी विलंब नहीं करते। माँ, गणेश का अनुमान उचित है। मैं अपने वचन में बंधा होने के कारण कुछ भी कहने में असमर्थ हूँ। फिर उसे क्या वरदान प्राप्त है ये कैसे ज्ञात करेंगे हम? फूफा जी, ब्रह्मदेव के अतिरिक्त और किसे ज्ञात हो सकता है ये गुप्त रहस्य? फूफा जी के अतिरिक्त यदि किसी अन्य को ये रहस्य ज्ञात हो सकता है तो वो तो स्वयं अरुणासुर ही है। और वो दुष्ट अपनी मृत्यु का रहस्य किसी भी स्थिति में नहीं बताएगा, अर्थात उसके वरदान को कोई भी नहीं जान पाएगा। तो फिर ये तो हमें उसी से ज्ञात करना होगा। किंतु आप चिंता मत कीजिए भैया, वो अपना रहस्य स्वयं अपने मुख से उजागर करेगा। किंतु कैसे गणेश, क्या तुम ये तो नहीं सुझा रहे हो कि हम वहाँ जाकर बलपूर्वक उसे विवश करें कि वो अपना रहस्य बता दे? नहीं भैया, यदि हमने ऐसा प्रयास किया तो वो देवताओं को क्षति पहुँचा सकता है जो उसके बंदी है, इसीलिए हमें बल नहीं भैया युक्ति का प्रयोग करना होगा, और ये रहस्य ज्ञात करने मैं वहाँ जाऊँगा। माता, आप स्वयं ही कहा करती हैं ना कि बिना पूर्ण सोच विचार किए कार्य कभी सफल नहीं होते, इसीलिए आपके वहाँ जाने के पूर्व मुझे एक अवसर प्रदान कीजिए माँ, कि मैं वहाँ जाकर उस दुष्ट की मृत्यु का भेद जान सकूं। मैं वचन देता हूँ माँ
मैं सफल होकर ही लौटूंगा। धन्यवाद माँ। गणेश, वो दुष्ट तुम्हें वहां पाकर कोई नवीन दुष्टता अवश्य करेगा, इसलिए तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं भैया, आप मेरी चिंता मत कीजिए, और वैसे भी मेरी युक्ति तो तभी सफल होगी जब मैं वहाँ एकाकी जाऊंगा। भैया मेरा विश्वास कीजिए। आज्ञा दीजिए पिताश्री। आज्ञा दीजिए माता। अपना ध्यान रखना पुत्र। पुत्र गणेश, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम येन केन प्रत्येन किसी प्रकार उसका रहस्य ज्ञात करने के उपरांत ही लौटोगे। प्रतीत होता है गणेश को कोई युक्ति भी सूझ चुकी है और उसने उसके अनुसार अपनी योजना की रचना भी कर ली है, किंतु क्या है उसकी ये युक्ति? स्मरण रखना देवताओं, मेरे इस स्थान में आने के द्वार सदैव खुले हैं, किंतु यहाँ से प्रस्थान करने का मार्ग एक ऐसा संकटमयी जाल है जिसे भेद कर यहाँ से निकलना असंभव है। यहाँ आना सरल है, किंतु जाना, और वो भी मेरी अनुमति के बिना, असंभव। आगंतुक जाता नहीं, चला जाता है। क्योंकि यहाँ दाहिनी ओर एक ऐसी ज्वाला है जो किसी को भी पल भर में भस्म कर देती है, और बाईं ओर एक ऐसी अग्नि है जो किसी को भी पिघलाकर राख कर देती है। यहां से बाहर निकलने का प्रयास करने पर यदि एक भी चूक हुई, प्राणलेवा संकट उत्पन्न होता है। यदि उस संकट को कोई भी पार कर जाए, फिर उससे भी नवीन संकट प्रकट होता है, और जो आकाश मार्ग से यहां उड़ने का प्रयास करते हैं उनका भी यही परिणाम होता है, अग्नि की लपटें उठकर उन्हें भस्म कर देती हैं। इसीलिए यहां आना सरल है, किंतु यहां से सुरक्षित जाना असंभव। आप तो आज बहुत प्रसन्न हो रहे हैं मूषक जी। हाँ प्रभु, क्योंकि आज हम बिना युद्ध किए अपनी समस्या का हल ढूंढने जा रहे हैं। किंतु यदि हम युद्ध करने के लिए विवश हो गए तो क्या प्रभु? आपको सुरक्षित रखने हेतु मुझे पुनः युद्ध भूमि में प्रवेश करना होगा। यहाँ का प्रवेश द्वार तो खुला है और यहाँ कोई द्वारपाल भी नहीं, ये कैसी मूर्खता है इस असुर की? शत्रु को मूर्ख समझने वाला बहुत बड़ी मूर्खता करता है मूषक जी। आप मुझे मूर्ख पुकार रहे हैं प्रभु? कि खुला द्वार कोई मूर्खता नहीं, अन्य कोई दुष्ट बुद्धि ऐसी मूर्खता नहीं कर सकता। मुझे तो ये उस दुष्ट का षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है मूषक जी। षड्यंत्र प्रभु, अर्थात संकट? हाँ मूषक जी, किंतु भयभीत मत होइए आप, क्योंकि भयभीत होना तो पराजय के द्वार खोलता है, और हम यहाँ पर पराजित होने नहीं आए हैं। चलिए अब भीतर चलना होगा। अब तुम्हारी रक्षा करने कोई भी आए, चाहे देवी आदि शक्ति या फिर उनकी अर्ध शक्ति, जो भी यहाँ आएगा प्रवेश करने के उपरांत लौट नहीं सकेगा। मुझे ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे मेरे पीछे कुछ हो रहा हो? कदाचित ये मेरा भ्रम ही होगा। बाहर निकलो अरुणासुर, मैं
पार्वती नंदन श्री गणेश, तुम्हें युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। आओ बाहर निकलो, युद्ध करो मुझसे। प्रभु ये क्या, क्या वास्तव में हम यहाँ युद्ध लड़ने ही आए हैं? प्रभु आपने तो कहा था यहाँ शक्ति नहीं युक्ति का प्रयोग करेंगे हम, फिर आप इस असुर को युद्ध की चुनौती क्यों दे रहे हैं प्रभु? चिंता मत कीजिए मूषक जी, बस आप तो देखते जाइए। यदि है इतना सामर्थ्य तो युद्ध करो मुझसे, प्रदर्शन करो अपने सामर्थ्य का, बाहर आओ। ओ, तो देवी स्वयं नहीं आई यहाँ, उसने अपने पुत्र को भेजा है। कोई बात नहीं, शीघ्र तुम्हारे साथ वो भी मेरा बंदी बनेगा, तब तो देवी स्वयं आने में विवश हो जाएगी ना। कहाँ छिपे बैठे हो? बाहर निकलो अरुणासुर! इतने ऊंचे स्वर में पुकारने का क्या लाभ? मुझसे युद्ध करोगे? इतना विश्वास है अपने सामर्थ्य पर, तो स्वयं ये भीतर क्यों नहीं आ जाते? तो फिर तनिक प्रतीक्षा करो असुर, पार्वती नंदन गणेश स्वयं आ रहा है। ज्ञान ब्रह्म प्रकाशक, मैं भी तो देखूं कौन है ये गणेश जिसने मुझे चुनौती देने का साहस किया। सुरस्य शत्रुर्वै आहुवाहनगः स्मृतः ॐ गजानन। यदि तुम विशाल हो तो मैं अति विशाल हूँ। क्या सोचा था और क्या निकला? कहां मैंने महायोद्धा की कल्पना की थी और ये गजमुख बालक आ गया मेरे समक्ष। ये तो वही कहावत सिद्ध हो गई, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। चूहा नहीं मूषक, अर्थात मूषक जी का आगमन तो अभी शेष है। हाँ वो तो मेरे वाहन है। प्रभु, मैं आ गया प्रभु। तुम्हारा तो आरंभ होते ही अंत हो जाता है, तुम्हारी माता को तनिक भी दया नहीं आई तुम्हारे ऊपर। तुम जैसे नन्हे बालक को मुझसे युद्ध करने के लिए भेज दिया, जीवित नहीं देखना चाहती क्या वो तुम्हें? किंतु आ ही गए हो तो आगे बढ़ो, मुझको युद्ध की चुनौती दी है ना तुमने, निकालो अपना अस्त्र और युद्ध करो मुझसे। अस्त्र? किंतु मैं तो कोई अस्त्र लेकर ही नहीं आया। तो फिर मुझसे युद्ध कैसे करोगे? चलो कोई बात नहीं, मैं ही अस्त्र प्रदान करूँगा तुम्हें। अर्थात आप इतने शक्तिशाली, शक्ति संपन्न, विशालकाय होने के पश्चात भी मेरे समान एक नन्हे बालक से युद्ध करेंगे? क्या ऐसा युद्ध आप जैसे शक्तिशाली असुर को शोभा देता है भला? स्वयं युद्ध के लिए ललकारते भी हो और स्वयं पीछे हटने का उपाय भी सोचते हो। अरे नहीं नहीं असुर जी, मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ, किंतु युद्ध एक ही प्रकार का कहाँ होता है, उसके तो अनेक प्रकार होते हैं ना, जैसे रण युद्ध जो सेनाओं के मध्य होता है, मल्ल युद्ध जो दो योद्धाओं के मध्य भुजाओं की शक्ति से होता है, गृह युद्ध जिसके अस्त्र राजनैतिक दांव पेच होते हैं,
और फिर जीवन का युद्ध जो अनेकों संघर्षों से भरा होता है। ए तुच्छ बालक, मत करो अपने ज्ञान का बखान। ये बताओ, मुझसे कौन सा युद्ध करना चाहते हो तुम? वाक युद्ध। प्रभु शक्ति से नहीं, बुद्धि से युद्ध करने आए हैं। हाँ, वाक युद्ध जो बुद्धि और शब्दों से किया जाता है। वाक युद्ध। ये कहो ना, बाल क्रीड़ा करने आए हो यहाँ? अभी आपने ही तो कहा कि मैं मात्र एक बालक ही हूँ, तो मैं बालकों की ही तो क्रीड़ा करूँगा। किंतु मुझ जैसे महायोद्धा को बाल क्रीड़ा शोभा नहीं देती। ये क्रीड़ा नहीं करूँगा मैं। क्या महासुर जी आपको ये भय है कि वाक्य युद्ध में आप एक बालक से पराजित हो जाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अल्प बुद्धि होने के साथ शब्दों के ज्ञान से भी वंचित हैं? मुझे अपनी कुशाग्र बुद्धि पर पूर्ण विश्वास है बालक। तो फिर वाक युद्ध से पीछे क्यों हट रहे हैं आप? आइए करते हैं ना वाक क्रीड़ा। तुच्छ बालक, यदि पराजित होने में इतनी रुचि है तुम्हें, तो आओ पूर्ण कर लो अपनी इच्छा। किंतु उसके पूर्व तुम्हें भी अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी मुझे ढूंढ कर। आपको ढूंढ कर? किंतु आप तो मेरे समक्ष खड़े हैं ना महान असुर जी। सर्वप्रथम मुझे ढूंढ कर तो दिखाओ और बताओ कहाँ हूँ मैं। वहाँ। नहीं बालक, मैं यहाँ हूँ। अब दो ही अवसर शेष हैं तुम्हारे पास, बताओ कहाँ हूँ मैं। वहाँ। वहाँ नहीं, यहाँ हूँ मैं गजमुख बालक। चलो अब तुम्हारा ये अंतिम अवसर है, बताओ कहाँ हूँ मैं। बहुत निपुण हैं आप छिपने में असुर जी। अच्छा तो कहो कहाँ हूँ मैं। आप तो ठीक मेरी दाईं ओर। बिल्कुल नहीं। अरे मेरा उत्तर तो पूर्ण होने दीजिए आप। मेरी ठीक दाहिनी ओर नहीं, अपितु मेरी बाईं ओर के मध्य में स्थित है। उस स्तंभ के निकट खड़े हैं आप। ये कैसे ज्ञात किया तुमने? आपका संपूर्ण ध्यान तो मुझ पर ही था ना, इसलिए मैं जहाँ देखता था आप वहाँ से हट जाते थे। किंतु मेरे मूषक जी का ध्यान आप पर था। देखिए ना, आपकी पूंछ अभी भी उनके मुख में है। चतुर गणेशा। कदाचित आप भूल गए महान असुर जी कि मूषक सूंघ कर किसी भी वस्तु को ढूंढ निकालने में बहुत निपुण होते हैं। मूषक की सहायता लेने का लाभ तो हुआ है तुम्हें, किंतु मैं अब तुम्हें तुम्हारी क्रीड़ा में पराजित करूंगा, और वो भी तुम्हारे तुच्छ देवताओं के समक्ष। तो यहाँ बंदी है सभी देवता। मुझे ज्ञात नहीं गणेश जी यहाँ क्यों पधारे हैं। कहीं स्वयं को वो किसी संकट में न डालते। हाँ इंद्रदेव, इस असुर की मृत्यु का उपाय तो किसी को भी ज्ञात नहीं, इसीलिए सरल नहीं होगा इसे पराजित करना। मेरी राज्यसभा में मेरे अतिरिक्त किसी के लिए कोई आसन नहीं। आप चिंता मत कीजिए असुर जी, मैं अपना आसन अपने साथ लेकर चलता हूँ। कहाँ है इस तुच्छ बालक का आसन? मूषक जी। प्रभु। तुम्हारे साथ तो वाक युद्ध बड़ा ही रोचक होगा, परंतु क्रीड़ा में आनंद तभी आएगा जब उसमें कुछ दांव पर लगा हो। किंतु यदि तुम्हारी पराजय हुई तो संपूर्ण जीवन मेरा वाहन बनकर तुम्हें रहना होगा, क्योंकि सुना है गज पर आरूढ़ होने पर तो बहुत ही आनंद आता है। चतुर
उचित है, स्वीकार है मुझे। किंतु यदि आप पराजित हुए तो आपको भी बिना संकोच किए मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, और वो भी मात्र सत्य। अरे अरे, आप तो पुनः संशय में चले गए। इतना विचलित मत हो ये महान असुर जी, मैं आपसे अधिक कठिन प्रश्न नहीं पूछूंगा। मुझे स्वीकार है। गणेश जी स्वयं को संकट में क्यों डाल रहे हैं? प्रतीत होता है कि वो किसी योजना के साथ ही यहाँ आए हैं। तो महान असुर जी, क्रीड़ा आरंभ करने के पूर्व हमें उसके नियम स्थापित करने होंगे। हम एक साथ एक दूसरे से तीन तीन प्रश्न पूछेंगे, जिनका उत्तर हमें मात्र तीन क्षणों में ही देना होगा, और जो उत्तर नहीं दे सकेगा वो पराजय स्वीकार करेगा। उचित है, किंतु मेरा भी एक नियम है, प्रश्न रोचक होने चाहिए। तो ये प्रश्न किस विषय पर होंगे, उसका चुनाव आप ही क्यों नहीं कर लेते असुर जी? क्रीड़ा तुम्हारी है तो तुम ही विचार करो, मैं क्यों व्यर्थ में अपनी बुद्धि को कष्ट दूं? तो अब मुझे इसके समक्ष एक ऐसा विषय रखना होगा जिससे कि मैं युक्ति लगाकर इससे उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर सकूं जो मुझे ज्ञात करना है। तो ठीक है, ज्ञान शास्त्र। अरे, ज्ञान का नाम सुनते ही मुझे निद्रा का आभास होता है। फिर दर्शन शास्त्र? मेरा तो इतना ही दर्शन शास्त्र है कि मैं ही दर्शन हूँ और मैं ही शास्त्र हूँ, शेष सभी तुच्छ है, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। बल, ये कैसा विषय है, जो मेरे मुख से निकल गया वही न्याय है। तो ठीक है, फिर राजनीति। बल पूर्वक राज करना ही मेरी नीति है, जो मेरे सम्मुख खड़ा होता है उसे बल पूर्वक नष्ट करना ही मेरी राजनीति है। नहीं नहीं, इसमें भी कोई प्रश्न उत्तर का स्थान नहीं। प्रतीत होता है असुरों को तो एक ही शब्द भाता है, बल। हाँ, ये रुचिकर हो सकता है, क्योंकि वैसे भी शीघ्र ही सर्वत्र मेरे ही बल की चर्चा होगी। उचित है, फिर असुर जी हम वाक युद्ध की क्रीड़ा आरंभ करते हैं। अब मैं सर्वप्रथम आपसे तीन प्रश्न पूछूंगा और आप बिना रुके उन तीनों प्रश्नों का उत्तर देंगे, और फिर आप तीन प्रश्न पूछेंगे जिसका उत्तर मैं दूंगा, और हमारी ये क्रीड़ा इसी क्रम में आगे चलेगी जब तक कि कोई उत्तर देने में चूक नहीं करता। उचित है, उचित है, तो समय व्यर्थ मत करो और आरंभ करो अपनी क्रीड़ा। बल का वास्तविक अर्थ क्या है? शासक के समक्ष शेष सभी तुच्छ होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बल क्या होता है? बाहुबल, जिससे संसार को अपने समक्ष झुकाया जा सके। जो सभी प्रकार के बल से परिपूर्ण है उसे और क्या चाहिए? बल का प्रयोग कर बहुत कुछ प्राप्त करने की इच्छा, तभी वो अपने बल का उचित प्रयोग कर सकता है। आश्चर्य, इस असुर ने तो सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए। एक असुर अपनी असुरी बुद्धि से ऐसे ही अनर्थकारी उत्तर दे सकता है। अब मैं पूछूंगा, किंतु प्रश्न वही होंगे जो तुमने पूछे। उत्तर देने के पूर्व विलंब मत करना गजमुख बालक। बल का वास्तविक अर्थ क्या है? उद्धार। बल से किसी असहाय पीड़ित की सहायता और उद्धार ना किया जाए तो वो बल व्यर्थ हो जाता है महान असुर जी। सबसे महत्वपूर्ण बल क्या है? बुद्धि बल, जिससे संसार को झुकाने के स्थान पर उसके प्रभाव से संसार की भलाई का उपाय किया जा सकता है। जो सभी प्रकार के बल से परिपूर्ण होता है उसे और क्या चाहिए? संतुष्टि, क्योंकि बलशाली होने पर भी असंतुष्ट रहने वालों का बल अंततः उन्हीं को क्षति पहुंचाता है। ये हैं इन प्रश्नों के उचित उत्तर। अब पुनः आपको मेरे प्रश्नों के उत्तर देने होंगे,
किंतु सचेत रहिएगा। आपने उत्तर नहीं दिया अथवा अधिक समय लिया तो आप पराजित हो जाएंगे असुर जी। तुच्छ बालक, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, इसीलिए पूछो अपने प्रश्न। तो बताइए मुझे, जिनमें बल का अभाव है वो क्या है? अरे क्या है, व्यर्थ है वो, निरर्थक है उनका जीवन। जो बलहीन है तो वो अपना जीवन सार्थक करने हेतु स्वयं को कैसे बलशाली बना सकते हैं? वरदान की शक्ति से। तो बताइए आपको ब्रह्मदेव से क्या वरदान प्राप्त हुआ है? तो अब मैं समझा, ये वाक युद्ध प्रथम पूज्य गणेश जी की एक युक्ति है। इस दुष्ट को उसके मुख से उसके ही वरदान अर्थात उसके वध का रहस्य ज्ञात करना चाहते हैं प्रथम पूज्य गणेश जी। अद्भुत है प्रथम पूज्य गणेश जी की भक्ति। यदि यह दुष्ट उनके इस प्रश्न का उत्तर देता है तो स्वयं अपने ही मुख से अपने वध के रहस्य को उजागर करता है, और यदि प्रश्न का उत्तर नहीं देता है तो वह इस वाक युद्ध में पराजित होकर गणेश जी के एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य होगा। दोनों ही अवस्था में गणेश जी का यहाँ आने का प्रयोजन सिद्ध होगा, क्योंकि गणेश जी ने ऐसी ही अवस्था निर्धारित चुकी है। गणेश जी की विलक्षण बुद्धि का सामना कहाँ कर पाएगा ये दुष्ट।